हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसका यह हमारा आखिरी लेक्चर होगा, चैप्टर नंबर 8, जिसमें आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में। लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में जो चैप्टर हमारा आज का है, इसमें हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिंतन चुनौतियों का, अलग अलग संदर्भ में किस प्रकार की अलग अलग चुनौतियां रहती हैं लोकतंत्र के सामने। राजनीतिक सुधारों पर भी विचार करेंगे, किस प्रकार से लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है और राजनीति को सुधारना, और लोकतंत्र की एक बार पुनः परिभाषा के रूप में भी हम तैयार करेंगे, कुछ बिंदुओं को उसमें एड ऑन करेंगे। आपको यदि याद होगा तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही क्लास 9th में भी हमने लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में बताया था। वो परिभाषा के साथ साथ ये 10th क्लास की जो डिस्कशन रहा है, इसमें हमने लोकतंत्र में कौन कौन सी चीजों को एड ऑन किया है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर, कौन कौन से बिंदु यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आए हैं लोकतंत्र को करते हैं जो बिंदु, उन सभी को पुनर्परिभाषित करेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिंतन चुनौतियों का। तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने पढ़ा था, पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ है। लगभग 2000 के समय दुनिया में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा था। 1950 के दशक में जब हम आजाद हुए, 1947 में और 50 के दशक में, तो उस समय भी दुनिया में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा था। समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है और इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है, ना ही कोई दूसरी शासन प्रणाली है जो इसकी प्रतिद्वंदी है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके समक्ष कोई चुनौतियां ही ना हो। बहुत सारी चुनौतियां नजर आएंगे हमको, देखेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। कई बार होता है जैसे कि हमारी इच्छाएं हैं, हमारा मानव स्वभाव है, कुछ इच्छाएं हैं, किसी से अपेक्षाएं करते हैं, यदि वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी हो जाती है तो वो चीज अच्छी होती है, यदि हमारी एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं करता है तो वह चीज खराब हो जाती है। सेम यही होता है लोकतंत्र के साथ भी। यदि लोकतंत्र लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर दे तो लोकतंत्र बहुत अच्छा है, और यदि कुछ अपेक्षाएं जो लोकतंत्र से ज्यादा की जाती हैं और वो लोकतंत्र पूरा ना कर पाए तो लोकतंत्र खराब हो जाता है। सन 2000 में दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, ये चीज हमने यहाँ पर समझ ली। आगे इसमें देखते हैं, इन देशों में जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने का और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए कुछ जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती वहां पर देखने को मिलती है। हमने देखा लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में किस तरह से संघर्ष किया उन्होंने, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं हम। नेपाल का क्यों उदाहरण देखें, हम अपना ही देख लेना, 200-250 वर्षों तक अंग्रेजों ने ऊपर हमारे ऊपर शासन किया। उन अनुभवों से हमने सीखा और यह जाना कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जो हमारे लिए सबसे अनुकूल रहेगी, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की को स्थापित करने के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए। राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न वर्गों के लोगों ने यहाँ पर अपना अपना योगदान दिया। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ आधार अपन को बनाने की चुनौती भी हमको देखने को मिलती है। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की यदि हम बात करें तो वहां पर गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती है, और एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, मीन्स तानाशाही स्थापित है, तो एक तो वहां पर सेना का शासन है, तो सेना के शासन पर नियंत्रण करना, शासन व्यवस्था जो वहां चल रही है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उसको गिराना है, और एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करना, ये भी एक चुनौती है। ठीक है, अधिकांश स्थापित जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनके सामने अपने विस्तार की चुनौती भी देखने, एक बार जब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई तो उसको विस्तारित करना, जरूरी नहीं है कि पूरे देश में ही वह व्यवस्था स्थापित हो, किसी देश के एक छोटे से भूभाग पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है, फिर वहां से अन्य जो देश होंगे या अन्य राज्य होंगे वो प्रेरणा लेंगे, उनसे स्थापित होंगी, वहां पर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी। तो एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना से पहले की चुनौती भी रहती है, और जब स्थापित हो जाए तो उसके विस्तार की भी चुनौती रहती है।
तो विस्तार करने के साथ साथ यहाँ पर तीसरी जो चुनौती रहती है वह होती है लोकतंत्र को मजबूत करने की। यह पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सारी चुनौतियां हमको लोकतंत्र में समझ में आती हैं। इसका यह मतलब है कि हम कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका ही जैसे देशों के सामने यह चुनौती भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कह सकती कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे मजबूत लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका के पास ये सारी समस्याएं नहीं है, वहां भी ऐसी ही समस्याएं हैं। कल के दिन यदि बाइडन बोले कि हमको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं चाहिए, आज से हम संसदीय शासन प्रणाली अपनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। या तानाशाही अपने सारे अधिकारों को अपने पास रख लें, सारी शक्तियां अन्य लोगों की समाप्त कर दें, तो तानाशाही वहां पर स्थापित नहीं हो सकती। एक समस्या है, उसको मजबूत करना और साथ ही साथ उसको यथावत बनाए रखना, ये सारी चुनौती हमको लोकतंत्र के सामने नजर आती है। तो तीन चुनौतियां हैं मूल रूप से। एक तो लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, भैया जहां पर लंबे संघर्ष के बाद एक लोकतंत्र की स्थापना करना है, लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो उसको यथावत बनाते रखते हुए उसका विस्तार करना, तो साथ ही साथ तीसरी चुनौती उसको मजबूत करने की है। तो ये तीन चुनौतियां जो है मूलतः हमको दिखाई देती हैं। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी ना किसी रूप में यह चुनौती है ही। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से यह अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ में दिखाई देती है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, हमारा जो भारत देश है यहाँ पर विविधतापूर्ण यहाँ पर दिखाई देती है, तो बहुत आराम से बहुत बड़े स्तर पर विविधताएं दिखाई देती हैं। तो हमारे यहाँ जब विभिन्न वर्ग के लोग हैं तो उनकी अपेक्षाएं भी लोकतंत्र से अलग अलग होंगी, और जब अलग अलग अपेक्षाएं होंगी तो इसीलिए दुनिया के अलग अलग हिस्से में चुनौतियां भी अलग अलग हिसाब से होंगी। इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। ये जो था हमारा लोकतंत्र की चुनौतियों में चिंतन चुनौतियों वाला चैप्टर, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट था, इसको हमने समझा। अब यहाँ से हम समझेंगे डायग्राम, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है पीपीटी में स्क्रीन पर, ये जो फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पर, इससे समझें कि यहाँ पर लोकतंत्र की कौन सी चुनौतियां दिखा रही हैं आपको। आप लोग यहाँ पर गैस करने का प्रयास कीजिए और कमेंट करिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर पहली जो फोटो दिखाई दे रही है, मुबारक फिर चुने गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदान की पेटियां खुली नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो नेता है जिनका नाम मुबारक है वह कह रहे हैं कि हम फिर से चुने गए हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर खड़ा है वो यह कह रहा है कि क्या हम इन डब्बों को खोलें। तो यहाँ पर एक जो चुनौती हमको नजर आ रही है कि लोकतंत्र के सामने एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ा है वह चाहता है कि वही सत्ता में बना रहे, दूसरा ये अपना ही क्या कर रहा है, बोल रहा है चुनाव में बिना मतदान पत्र खोले ही घोषणा कर रहा है कि मैं जीत गया हूं, ठीक है ना। ये चीज गलत है ना लोकतंत्र के लिए। दूसरी फोटो में ये बंदूक है और ये व्यक्ति बंदूक के अंदर देख रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि तुम्हें यहाँ लोकतंत्र नजर आ रहा है। तो कहने के यहाँ पर तात्पर्य ये है कि हथियारों के दम पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है, हथियार और हिंसा वहां पर नहीं होनी चाहिए। अगली फोटो देखते हैं, उदारवादी लैंगिक समानता। यहाँ पर लिबरल पार्टी की मांग है लैंगिक समानता और बराबर की भागीदारी होना चाहिए। यहाँ पर जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे हैं, परंतु वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के चयन की बात देखें तो यहाँ पर 8 में से केवल एक ही महिला है, तो लैंगिक समानता कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। तो ये जो है लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चौथी बात, यहाँ पर जो फोटो है वह है चुनाव अभियान का पैसा। तो यहाँ पर जो चुनाव में खर्च हो रहा है ये डॉलर है, यहाँ कोई चटाई नहीं है ये, या फिर रेड कारपेट नहीं बिछाया, ये डॉलर है।
कहने का यहाँ पर सेंस ये नजर आ रहा है कि चुनाव अभियान में जो पैसा खर्च होता है वह बहुत ही पानी की तरह बहता है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है लोकतंत्र के लिए। ये समस्या यहाँ पर हमने गैस करने का प्रयास की फोटोओं के माध्यम से। अब बात करेंगे हम राजनीतिक सुधारों की, बात करेंगे लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में। सभी सुझाव या प्रस्ताव जो है वह लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं है तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वास्तव सही बात है भाई, हमारे एशिया में भारत की चुनौतियां अलग हैं तो भाई अफ्रीका में जिम्बाब्वे की चुनौतियां अलग हैं। जब दुनिया में हर एक जगह दुनिया में अलग अलग चुनौतियां हैं तो भैया सुधार के लिए एक ही रूल तो नहीं अपनाया जा सकता। जब चुनौतियां अलग हैं तो उनके सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे, तो एक ही फॉर्मूला सभी जगह थंब रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता। कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर विचार करें जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के ये तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने जहन में रखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन का विचार करेंगे जो लोकतंत्र के लिए, जो राजनीतिक सुधारों के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगी। जैसे इसमें हमारा पहला पॉइंट है, कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। जैसे किसी भी तरह से हम कानून बनाएं और राजनीतिक सुधार की बात करें तो ये ऊपरी स्तर पर तो लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है, तो बात सही है, लेकिन निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित करते हैं और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। पर याद रखिए, विधिक और संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। आप सोच के देखिए, हमारे इतिहास में देखें अभी तो हमने 1950 से लेके कई प्रकार के कानून बना दिए राजनीतिक सुधारों को, लेकिन आज भी लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक सुधारों के लिए कई चुनौतियां हमको दिखाई देती हैं। भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां दिखाई देती हैं, पानी का जो की तरह जो खर्च होता है पैसा वो भी दिखाई देता है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हमको नजर आते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि दल बदल वाला कानून भी बना दिया फिर भी दल बदल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, सुधार की जो शुरुआत होनी चाहिए वह कहाँ से होनी चाहिए? राजनीतिक कार्यकर्ताओं से होनी चाहिए, दलों से होनी चाहिए, आंदोलन से होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से सचेत रहने वाले जागरूक नागरिकों के द्वारा होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें अगला जो पॉइंट हमारा है, कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कई राज्यों ने दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कानून तो बना देंगे लेकिन कानून का प्रभाव राजनीति पर किस प्रकार से पड़ेगा इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, दो से अधिक बच्चों वाले इंसान को पंचायत का चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। अब उनकी एक राजनीतिक स्वतंत्रता जो थी किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने की, उसको हनन हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए ये कहा गया है कि कानून बनाते समय सचेत रहना होगा कि इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला जो पॉइंट है इसमें, इसके चलते अनेक गरीब लोग, महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा नहीं थी। वही पॉइंट मैंने डिस्कस किया, सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। जैसे सूचना का अधिकार, कानून जो है लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, सूचना का अधिकार दे दिया तो प्रशासन में पारदर्शिता आ गई, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, भ्रष्टाचार कम हो गया। तो इस तरह से लोगों को यदि हम जागरूक करें और लोगों को ऐसे लोकतांत्रिक सुधार करने के अधिकार प्रदान कर दें तो इससे क्या होगा, लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसीलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें है, राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान होने की चिंता के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा।
जैसे कानून बनाने का काम तो किसका है, संसद का है, लेकिन यदि राजनीतिक सुधारों की बात करें जिनकी शुरुआत राजनीतिक दलों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से होनी चाहिए, तो इस प्रकार से यदि कानून बनाते हैं तो उसके पीछे एक प्रश्न ये भी होना चाहिए कि इस प्रकार का कानून जो एक प्रावधान है उसमें उसको लागू कौन करेगा और क्यों करेगा, उसके पीछे मंशा क्या होगी। यदि यहाँ पर दंड का प्रावधान हो और पुरस्कार का प्रावधान हो, जो इस प्रकार के कानूनों को मानेगा तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा और जो नहीं मानेगा उसको दंड दिया जाएगा, तो इस तरह से हम राजनीतिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा के बारे में। पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र की परिभाषा बताई थी कि लोकतंत्र क्या है, शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ और पॉइंट भी हमने जोड़े थे, जैसे लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लें, चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने की अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर हो, विकल्प मिलना चाहिए और ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ चीजें यहाँ पर हमने ऐड कर रहे हैं लोकतंत्र की परिभाषा में। और क्या इसमें है, विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। ऐसा नहीं कि सरकार का हमने गठन ऐसा कर दिया जो संविधान के बुनियादी नियमों को ही नहीं मान रहा या नागरिक अधिकारों को ही नहीं मान रहा। तो हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये सिर्फ अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर की नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की है जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की हिस्सेदारी साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसका उदाहरण हमने क्या देखा था, जो हमारा बेल्जियम था उसका उदाहरण हमने सत्ता की हिस्सेदारी देखी थी। वहां पर बहुत जरूरी है, यदि टकराव हो रहा है, टकराव को रोकना चाहते हैं तो विभिन्न वर्गों में अगर हम सत्ता की साझेदारी कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत ही होगा। इसमें और पॉइंट क्या है, लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र तो स्थापित है लेकिन बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का शोषण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई। हमने यह चर्चा भी की कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। तो इस तरह से जो है हमने पूरी जो यहाँ पर दसवीं क्लास का जो हमारी पॉलिटी की बुक है इसमें मुख्यतः जो हमारा केंद्र रहा है लोकतंत्र रहा है और इससे संबंधित हमने विभिन्न मुद्दों पर बात की। और आज का जो हमारा चैप्टर था लोकतंत्र के जो परिणाम थे, उसकी जो चुनौतियां थी, उसके बारे में हमने बात की और लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा के बारे में भी बात की थी। आज के लिए हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डिलाइट IAS के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग डिलाइट IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।